हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आज हम इस क्लास में शुरू कर रहे हैं एटॉमिक मास और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास भी डिस्कस करेंगे ना। तो ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आपके जैसा एक बच्चा, उसका नाम था विभू प्रसाद, वो प्लस टू साइंस पढ़ रहा था सेकेंड ईयर में। एक दिन वो अपने घर में बैठा था, अपने पिताजी उसके पास बैठे थे, ठीक है ना। उनके पिताजी भी प्लस टू किया हुआ था लेकिन वो आर्ट्स किए थे। तो उनको क्या दिमाग में आया, वो बैठे थे, वो हठात पूछे, अरे बेटा, एक इत्तेफाक से उनके पास एक ही चावल गिरा था। उन्होंने पूछा, अरे विभू, ये चावल का तुम वजन कितना बता सकते हो? तो विभू प्रसाद कन्फ्यूज हो गया, यार एक चावल का वजन हम कैसे अभी बता सकता हूँ। तो उसने बोला, पिताजी अगर माइक्रो बैलेंस होगा, या जो सोनार के दुकान में होता है या ज्वेलरी दुकान में होता है जो माइक्रो बैलेंस, छोटा बैलेंस अगर वो होगा तो उसमें से हम अगर उसको वजन कर लेंगे तो पता चलेगा व्हाट इज द वेट ऑफ दिस राइस, चावल का कितना वजन है बता सकता हूँ। पिताजी बोले, अरे वाह, अरे ये कौन सा बात है, मैं बता रहा हूँ अभी घर में, आप बता सकते हो इसका, तुम बता सकते हो इसका वजन कितना होगा? वो बड़ा कंफ्यूज हो गया, बोला, यार ये तो कैसे पिताजी पूछ रहे हैं, तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो बच्चे यही बात है, अभी यहाँ अकल का बात था। अगर विभू प्रसाद अगर एक टेक्निकली सोचता, यानी एनालिटिकली सोचता, अगर साइंटिफिकली सोचता तो शायद बता सकता था, लेकिन वो बता नहीं पाया। आप बताइए, अगर आपके पिताजी पूछते हैं आप क्या वजन बता सकते हो, आप में से कुछ बच्चे बता सकते हैं लेकिन बहुत से बच्चे नहीं बता सकते हैं कैसे एक छोटा सा चावल का वजन कैसे घर में करेंगे, ठीक है ना। अभी हम बाद में बताएंगे कैसे वजन करेंगे, कैसे बताएंगे। फिर पिताजी थोड़ा रुट गए, बोले, यार क्या पढ़ रहा है साइंस? तो उनके उस वक्त भी वो विभू प्रसाद क्या कर रहा था, वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहा था, और केमिस्ट्री का जो किताब का पन्ना था उसमें एटॉमिक मास लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो पिताजी ने बोला, यार ये एटॉमिक मास क्या फिर है, ये एटॉमिक मास क्या है? तो विभू प्रसाद तो अच्छा लड़का है, वो टेंथ में फर्स्ट क्लास हुआ था उसका, अच्छा नंबर से पास किया था, और उधर भी उसको सारे लोग उसको बहुत लाइक करते हैं क्योंकि अच्छा बच्चा है ना, तो बहुत सिंपल सा बच्चा है, और सभी आशा करते हैं कि वो भी प्लस टू में फर्स्ट क्लास पाएगा, आएगा उसका फर्स्ट क्लास आएगा भी। तो उसने बोला, यार एटॉमिक मास, पिताजी पूछे, उसने बिल्कुल रटा था, ये डेफिनेशन बता दिया, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ सी 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। उनके पिताजी, उसके पिताजी हंसने लगे, बोले, यार ये क्या मतलब है, मैं तेरे को पूछा एटॉमिक मास क्या है, तू मेरे को ये डेफिनेशन बता दिया, मेरे को समझा ना एटॉमिक मास क्या है। तो विभू प्रसाद थोड़ा हड़बड़ा गया, बोला, यार कैसे समझाऊं पिताजी को? तो उसने इसका मतलब कुछ समझ के बताया, नहीं अगर एक एलिमेंट का मास, आटम का मास निकलते हैं तो वो कार्बन आटम के मास के साथ उसको कंपेयर करके बताते हैं व्हाट इज द एटॉमिक मास। तो उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, बोले, यार ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम ऐसे करो, मेरे को कैसे समझा सकते हो व्हाट इज एटॉमिक मास, मैं अनपढ़ हूँ या मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन आप ऐसे मेरे को समझाओगे कि मैं बिल्कुल समझाऊँ एटॉमिक मास क्या है, तो तब मैं जानूंगा कि आप एटॉमिक मास पढ़े हो, यानी योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, योर फंडामेंटल नॉलेज इज क्लियर। तो विभू प्रसाद समझा, यार बाकी मैं तो इसको रट दिया हूँ और लिख भी लूंगा, एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे, लेकिन मैं तो समझा नहीं व्हाट इज एटॉमिक मास। तो उसके पिताजी ने बोले, बेटा अगर ऐसे ही रटोगे ना, यू मे ब्रिंग मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बट यू कैनॉट क्वालिफाई इन एंट्रेंस। एंट्रेंस में फंडामेंटल की जरूरत होती है और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो तुम जाओ कल अपने टीचर से पूछना, मैं कैसे समझाऊँ पिताजी का एटॉमिक मास क्या है, समझे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जी कुछ भी हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स भी हो, उसमें आप जब पढ़ते हो, गो फॉर फंडामेंटल, गो फॉर बेसिक्स, गो फॉर कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो फिर मजा आ जाता है पढ़ाई में, आपको कोई बात नहीं दिखता, आप एग्जाम में अच्छा नंबर रख सकते हो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर वो एटॉमिक मास अच्छी तरह समझा होता क्लास में तो जरूर पिताजी को बताता, पिताजी चावल का वजन मैं कब बता सकता हूँ कैसे। तो आप पहले एटॉमिक मास का ये डेफिनेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो दैट इज एसेंशियल।
वो क्या हुआ, जब आटम की मास पढ़ा था उसके दिमाग में भी अवोगाड्रोस लॉ होगा। अवोगाड्रोस लॉ के टाइम पर हम क्या पढ़े थे, 6.023 इंटू 10^23 नंबर्स ऑफ आटम, नंबर ऑफ आटम्स वेज कितना, 1 ग्राम एटॉमिक मास। आपको ये याद है ना, नहीं? अगर वो क्लास में एटॉमिक मास, क्योंकि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है ना, वो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास सारा पढ़ा हुआ है, तो उसको जरूर होता 6.023 × 10^23 नंबर ऑफ एटम्स वेज, उसका कितना वजन होगा ना, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। मान लीजिए हम ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 ग्राम है। तो अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें कितने नंबर्स का एटम्स होंगे, 6.023 × 10^23 नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे। आप समझ गए ना, तो एक एटम का मास कितना होगा, तो मास ऑफ वन एटम कितना होगा, मास ऑफ वन एटम कितना होगा, 16 / 6.023 × 10^23 ग्राम हो, है ना। इसको जरूर पता होगा क्योंकि वो अभी सेकेंड ईयर पढ़ रहा है, उसका एग्जाम आने वाला है, तो उसको तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए और ये पता ही होगा। लेकिन ही कुड नॉट कंपेयर दिस टेक्निक, ही वाज अनेबल टू कंपेयर दिस फॉर्मूला रिलेशन टू इट्स डेली लाइफ एक्सपीरियंस। जो पिताजी ने पूछा मेरे को एक चावल का वजन कितना है, तो तुरंत ही बोलता हाँ पिताजी मैं निकल सकता हूँ। कैसे निकलता, वो अपने घर में जो बड़ा बैलेंस है जिसमें उनके चावल वजन करते हैं, एक 50 ग्राम का वेट हो या 100 ग्राम का वेट हो, उसको लाता है 50 ग्राम वजन का चावल वजन कर लेता। आप समझ रहे हैं, 50 ग्राम का चावल वजन करके जितने चावल उसमें हुए सारे चावल को गिन लेता। इट इज पॉसिबल बिकॉज 50 चावल में 50 ग्राम चावल ला के अगर वो गिनता, मान लीजिए 12,000 13,000, दैट इज पॉसिबल टू काउंट नो, या 1,000 1,000 2,000 कुछ भी होगा, ही कैन काउंट, दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द दैट पर्टिकुलर राइस नो। तो मान लीजिए वो ये 100 ग्राम गिनना, 100 ग्राम राइस वजन किया, राइस का वजन उसने 100 ग्राम्स ले गया, और जब 100 ग्राम्स राइस में राइस को गिना तो उसको मिला नंबर ऑफ कितना राइस था उसमें, मान लीजिए था 1 लाख राइस था, बट यू कैन काउंट। अगर वो नहीं काउंट करेगा तो 4-5 मम्मी को बता सकते, अपने भाई को बहन को बता के सारे को गिन सकता है। तो एक राइस का वजन कितना होगा फिर, 100 ग्राम डिवाइड बाई 1 लाख, तो मास ऑफ वन राइस, मास ऑफ वन राइस ही कुड कैलकुलेट, व्हाट इज 100 / 1 लाख, समझ रहे ना। तो कितना होता, इज इक्वल टू 1/1000 × 10^-3 ग्राम होता नो। सो बच्चों अभी बात आ गया, अरे इतना छोटा वजन, बाकी हमारे पास इतना छोटा बैलेंस नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू वे। सो एटम भी बहुत छोटा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज इन नेकेड आइज नो। तो उसको वजन फिर कैसे करेंगे, ऐसे है नहीं हमारे पास वो बैलेंस नहीं, माइक्रो इतना माइक्रो बैलेंस नहीं है जिसमें हम एटम वजन कर सकते हैं। तो उसी के वजह से हम जब टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम, तो हमको रिलेटिव मास निकालना, रिलेटिव मास मीन्स, रिलेटिव मीन्स टू कंपेयर विथ एनी अदर थिंग्स, रिलेटिव ए टू पुट ए रिलेशन, किसी के साथ हम कंपेयर करते हैं नो। सो यहाँ लिखा क्या, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ C12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। क्या हुआ है, कार्बन आटम को स्टैंडर्ड लिया गया है, इट इज एज पर द रिकमेंडेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, IUPAC में जो साइंटिस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया है कार्बन इज द स्टैंडर्ड आटम। उसका वजन के साथ, इनका उसका आटम के वजन के साथ हम किसी दूसरे आटम का वजन का कंपेयर करके विल टेक टेल द आटम की मास। आप समझ गए, तो क्या है आटम की मास, बोल रहे द रिलेटिव एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मान लीजिए हम एक एटम लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का जो रिलेटिव मास कितना किसके साथ होगा ना, जो कार्बन एटम है उसका कार्बन एटम हमने क्या लिखा है, आज कमेंट द मास ऑफ C12 एटम,
जो कार्बन का एटम है उसका कितना गुना होगा। तो वो एक रिलेटिव मास, अगर हम उसको जनरलाइजेशन करते हैं तो एटॉमिक मास इज ए नंबर, एटॉमिक मास इज ए नंबर, और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कितना गुना ज्यादा है ये कार्बन एटम से, समझ गए। तो अगर हम लिखेंगे एटम की मास क्या होगा, आप देखिए हमने लिखते हैं, अभी लिख रहे हैं इसको, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, समझ गए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम, यानी इसके साथ ही कंपेयर किया जाता है कितना गुना है इसका। दिस इज वन यूनिट, वी कैन टेक दिस इज वन यूनिट बिकॉज हियर वी हैव टेकन दिस इज 12 यूनिट्स, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज वन यूनिट, समझ गए आप। तो मास ऑफ वन एटम जो हम लेंगे इसका कितना गुना है, मान लीजिए हम बोलते हैं हाइड्रोजन का एटम मास कितना है 1.008, यानी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008, ऑक्सीजन का कितना 16, कार्बन का कितना 12, आप समझ रहे। तो ये सारे नंबर्स हैं, इसके पास क्या लगता है, दैट इज AMU। कैसे AMU हम आपको बता रहे हैं, अगर हमने जो अवोगाड्रोस लॉ में पढ़ा था, कार्बन का अगर हम 12 ग्राम लेंगे यानी 1 ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 12 ग्राम, इसमें कितना होगा ना 6.023 × 10²³ नंबर्स ऑफ क्या होगा एटम, यानी कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना होगा 12 ग्राम होगा, समझ गए। तो वन एटम ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6.023 × 10²³, लेकिन हमने कितना लिखा है 1/12, सो हाउ मच इट विल बी, एटॉमिक मास विल बी कितना होगा, एटॉमिक मास विल बी 1/12 इंटू 12 डिवाइड बाई 6.023 × 10²³, आप समझ गए कितना हो गया 1/12 × 12 बाई 6.023। तो आप देखिए 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 6.023 × 10²³। बस देखिए दिस इज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि 6.023 × 10²³ दिस इज नथिंग बट अवोगाड्रोस नंबर, सो दिस इज ए कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू कितना आएगा 1.60 × 10²⁻²⁷ kg, दिस इज नोन एज 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज द स्टैंडर्ड, हमने निकल दिया कहाँ से, फ्रॉम दिस डेफिनेशन से, समझ रहे ना, ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ C12 एटम टेकन एज 12 यूनिट, उसको 12 यूनिट ले रखें तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 1/12, सो एटम की मास क्या करेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक एटम को अगर हम कंपेयर करते हैं कितना, कार्बन का एक एटम लेंगे उसका वजन का निकालेंगे और उसका 1/12 के साथ कंपेयर करेंगे, वो कितना उसका गुना होता है, दैट इज नोन एज एटम की मास। तो बीबू प्रसाद को उसके पिताजी को क्या बताना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए पिताजी अगर हम किसी एक लेते हैं एलिमेंट उसका एक एटम का वजन निकालते हैं, वो एटम का वजन एक कार्बन एटम का जो वजन है उसका 1/12 जितना वजन है उसको कितना गुना है, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी वो कितना गुना है, क्योंकि कार्बन का एक एटम का वजन निकाले मास निकालेंगे उसका 1/12 दैट इज कॉन्स्टेंट, वो स्टैंडर्ड हो गया, तो उसके साथ हम सभी का कंपेयर करेंगे, ऐसे हाइड्रोजन का कितना होगा ना 1.008 उसका गुना है, इतना गुना है, अब जीरो ऑक्सीजन का कितना होगा उसका 16 गुना है, कार्बन कितना होगा उसका 12 गुना है, आप समझ गए अभी, इज इट क्लियर। तो आपको ये पता चल गया हम एक राइस का कितना कैसे वजन निकालेंगे,
और व्हाट इज एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। अभी देखिए हम मास ऑफ एन एटम कैसे निकालते हैं, हमने पहले समझाया था आपको मास ऑफ एन एटम कैसे निकालते हैं। हमको ये पता है अगर 6.023 नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल 12 ग्राम तो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल कितना हो जाएगा 12/6.023/23 ग्राम। आप समझ गए, अगर हम ग्राम एटम की मास लेते हैं उसका वजन कितना होता है, उसमें कितना मोल नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं 6.023 × 10²। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको और एक बार बताता हूँ। अभी देखिए मान लीजिए हम हाइड्रोजन का निकालते हैं, ठीक है। अभी अगर हम मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एक एटम का अगर मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हमको पता है ना, ग्राम एटॉमिक मास कंटेंस कितना 6.023 × 10²³ नंबर्स ऑफ एटम। तो एक एटम का वजन कितना हो जाएगा, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 1 ग्राम एटम की मास कितना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का 1.008, तो ये कितना हो जाएगा 1.008 डिवाइड बाय 6.023 × 10²³। सो मास ऑफ अगर हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 डिवाइड बाय 6.023 × 10²³। समझ रहे हैं आप, अगर नाइट्रोजन का हम निकालते हैं कितना होगा 14 डिवाइड बाय 6.023 × 10²³। इसका वैल्यू जो होगा वो एक एक एटम का उसका क्या होगा मास होगा, यानी मास ऑफ एन एटम। सो मास ऑफ एन एटम जो है दैट इज नॉट एटॉमिक मास। आप याद रखिए एटॉमिक मास क्या है, दैट इज एक नंबर, वो कितना, वो एम को हम यू भी लिखते हैं, दैट इज हमने अभी लिखा था 1 AMU = 1.60 × 10⁻¹ kg, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। अभी उसको हम लिखते हैं यू। अगर एटॉमिक मास हम कार्बन का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन का लिखेंगे कितना हो जाएगा ना 16 U। समझ रहे हैं, नाइट्रोजन का लिखेंगे कितना हो जाएगा 14 U, हाइड्रोजन का लिखेंगे कितना हो जाएगा 1 U। आप समझ गए, तो ये हो गया एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास यूनिट हम इसको 1/6.023 × 10³, वो उसको बोलते हैं 1.60 × 10⁻²⁷ kg। आपको समझ आ गई एटॉमिक मास। हमको समझने से पहले हम ये याद रखना चाहिए 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.023 × 10³ नंबर एटम्स, ठीक है ना। और एटॉमिक मास क्या है ना, दिस इज नथिंग बट इट इज ओनली कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम विथ द 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम, ठीक है। अभी यहीं पर भी आप देख सकते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 / 6.023 × 10³, दिस इज नथिंग बट 1.008 U, बिकॉज 1/6.023 × 10³ यार हमने यहाँ जो लिखा था दैट इज 1 AMU और इट इज टर्न्स यू, सो 1.008 U, यहाँ क्या होगा वही 16 U, यहाँ क्या होगा 14 U। आप समझ गए, सो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना 1.008 U, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना 16 U, मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना 14 U। आप समझ गए आप, तो लेकिन एटॉमिक मास है एक नंबर है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर मास, द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज प्योरली सिमिलर टू द एटॉमिक मास, ओनली यू हैव टू पुट द मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ एटम। यहाँ देखिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ C12 एटम टेकन एज 12 मिनट्स, लेकिन जो स्टैंडर्ड है कार्बन एटम का वो एटम रहेगा।
लेकिन हम मास किसका लेंगे, जो एलिमेंट का हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूल का मास हम लेंगे, यानी वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल व्हिच वी हैव टू डिटरमाइन। तो वही हम लिख देंगे, तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास हम कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट का हम निकालते हैं, डिवाइड बाई 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। यहाँ लिखा है 12 यूनिट्स, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम C12। तो इसका 1/12 बिल्कुल नीचे वही रहा, स्टैंडर्ड में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवर्तन ऊपर क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ वन एटम वी आर टेकिंग वन मॉलिक्यूल, समझ गए। अब बिल्कुल वही बात है, हम अवोगाड्रो लॉ जब पढ़ते थे हमको क्या पता था, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस कंटेंस 6.023 × 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, गैस और सॉलिड व्हाटएवर इट मे बी उसमें उतना ही होता है। तो हम यहाँ लिखे मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालेंगे, वी नो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमको पता है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 का कितना है, अब मॉलिक्यूलर मास कितना है 2.016, सो 2.016 डिवाइड बाय 6.023 × 10^23 तो कितना हो गया 2.016 U, दैट इज 1/6.023 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1.60 × 10^-27 kg। तो इधर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 बाई, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 बाई, यानी वो था एटम का एटमिक मास, इधर कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास, हमने उधर लिए थे 16, इधर हो गया 32, उधर 14, इधर 28, इधर 1.008, अभी कितना लिए 2.016, अब समझ रहे ना। तो मॉलिक्यूलर मास वी आर टेकिंग द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। और एक काम और, तो थोड़ा सा अंदर जाएं, तो ऑक्सीजन एटम का निकलते हैं और मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे O2 हो जाएगा, तो उसमें 2 एटम है, तो 2 एटम 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा, समझ रहे ना। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो गया 2 एटम होता है, तो 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन NaOH उसमें 3 एटम है, तो हम देखेंगे सारे को जोड़ेंगे, ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तभी वी कैन फाइंड आउट, आप समझ गए। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास आर क्वाइट रिजेंबल और क्वाइट सिमिलर, और उसमें क्या होता है स्टैंडर्ड वही C12 का 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम इज द स्टैंडर्ड, उसी के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो आप ये याद रखिए एटॉमिक मास इज अ नंबर, जब हम मास ऑफ एटम निकालते हैं तो वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ यू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, समझ गए आप। ओके अभी हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर तो एक दो सवाल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, सो दैट विल बी वेरी मच क्लियर। ओके ये न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझिए क्या न्यूमेरिकल दे रखा है। द एलिमेंट क्लोरीन कंटेंस 2 isotopes, वन इज 17Cl35 ऑफ मास 34.98 U एंड 17Cl37 ऑफ मास ऑफ 36.98 U। The atomic weight of chlorine is 35.46 amu. Calculate the percentage of each isotope in chlorine. ये क्या कह रहा है? Chlorine atom है. That chlorine atom is the combination of 2 isotopes. वो chlorine atom में 2 isotopes है. एक Cl-17-35, दूसरा Cl-17-37. हमने यहाँ लिखा है Cl का जो एटम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ Cl-17-35 Cl-17-37। ये जो है इसका मास कितना दे रखा है ना 34.98 U और इसका दे रखा है 36.98 U, आप समझ गए। और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास इन दे रखा है 34.46, यानी एटॉमिक वेट दे रखा है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इन दिस क्लोरीन, तो ये आइसोटोप का क्लोरीन का आइसोटोप जो है ये दोनों का कितना परसेंटेज इसमें वी हैव टू फाइंड आउट, समझ गए। तो हमने लिखा क्लोरीन जो एटम है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ यानी मिक्स किस किस का है, Cl-35 का है और Cl-37 का है, दोनों आइसोटोप का है। मैं ले रहा हूँ सपोज लेट द मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल है क्लोरीन, 1 मोल है, समझ गए ना। ये 1 मोल क्लोरीन में
वन मोल है तो मोल फ्रैक्शन ये कुछ फ्रैक्शन होगा, ये कुछ फ्रैक्शन होगा, तो इसका फ्रैक्शन मान लीजिए अब अल्फा, तो इसका कितना आ जाएगा 1 - α। तो हमने लिखा लेट द मास ऑफ क्लोरीन 1 मोल एंड 17C35 फ्रैक्शन इज इक्वल टू अल्फा, इसका अल्फा, सो इसको कितना आ जाएगा 1 - α, वह 1 मोल लिया हमने, तो अगर इसको अल्फा मानते तो ये कितना हो जाएगा 1 - α। ये आप समझ गए, तो हम दे रहे क्या मास ऑफ 17C35 क्लोरीन 1 मोल इज इक्वल टू 34.98 ग्राम। ये देखिए 34.98 U दे रखा है, अगर हम 1 मोल तो कितना हो जाएगा 34.98 U ग्राम हो जाएगा, तो अल्फा मोल का कितना हो जाएगा, अल्फा मोल हमने ले रखा ना, तो 34.98 अल्फा ग्राम हो जाएगा, किसका 35 का। वैसे 37 में कितना हो जाएगा मास ऑफ सेल 17C37 का कितना 1 - α इज इक्वल टू 36.98, अभी दे रखा है 36.98, इसका वजन जो दे रखा है यानी मास दे रखा है, तो इंटू 1 - α ग्राम हो जाएगा। आप समझ गए, यहाँ हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, 1 मोल या अल्फा मोल या 1 - α, समझ गए आप। तो अभी देखिए सो टोटल मास कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन का मास प्लस ये फ्रैक्शन का मास, तो हमने लिखा 34.98 अल्फा ग्राम प्लस 36.98 इंटू 1 - α ग्राम, उसमें टोटल मास जो है ये दोनों मास मिलकर किसके साथ बराबर होगा, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन के साथ बराबर होगा। ये देखिए एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है 35.46 एम दे रखा है, तो हमने लिखा इज इक्वल टू 35.46। अगर 1 मोल लिए तो क्या हो जाएगा 35.46 ग्राम, अगर एम दे रखा है, अगर 1 मोल लिए तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया, आप देखिए इसको हमने गुणा कर दिया 34.98 अल्फा प्लस 36.98 इंटू 1 माइनस 36.98 अल्फा इज इक्वल टू 35.46, इक्वेशन हो गया। अगर इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं हम क्या मिलेगा 2 अल्फा, इसमें से घटाए तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.52 यानी अल्फा इज इक्वल टू 0.76 यानी ये अगर हो गया 0.76 तो इतना की हो जाएगा 0.24, एक से 0.76 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0.24, तो 0.76 मतलब कितना परसेंट 76%, और ये 0.24 मतलब कितना 44%, समझ गए। तो हमारे यहाँ चक्कर क्या था, कहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट था, हम डिसाइड किया कि हमने उसको 1 मोल ले गए, तभी हमको बात बन गया 1 मोल लेने से सभी ग्राम में कन्वर्ट हो गए, तो वी कुड फाइंड आउट द आंसर इजीली। आप अभी समझ गए ना, हमने 1 मोल लिया, इसका जो फ्रैक्शन था उसको अल्फा लिया, इसका 1 - α हो गया, तो उसका वजन निकाला, इसका वजन का, दोनों को मिला दिया और दे रखा है 35.46, तो हमारा बात बन गई, समझ गए। ओके।